Good afternoon students. Today we study about physical and chemical change. First of all, I, I tell you about physical and chemical change. In physical change, a change in which a substance it's, uh, undergoes a change in its physical property. Physical properties just like a shape, size, color uh, of a substance, they are called physical change. Physical change is generally reversible.

ये क्या होता है रिवर्सेबल होता है आप उसको नॉर्मल वापस से फिर उस स्टेट में क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो तो जो चेंज हो जाता है इफ़ चेंजेस अकर इट इज़ कॉल्ड रिवर्सेबल चेंज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इफ चेंज नॉट अकर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इट इज़ कॉल्ड इ रिवर्सेबल चेंज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन केमिकल चेंजेस ए न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म सो हियर इज़ वेरियस एक्टिविटीज़ आर गिवन विच इंडिकेट द फिजिकल चेंजेस इन फर्स्ट एक्टिविटी यू कट ए पीस ऑफ पेपर इन फोर स्क्वायर पीसेज कट ईच स्क्वायर पीसेज इंटू फोर स्क्वायर पीसेज आपने पहले पेपर लिया उसको फोर पीसीस में कट किया फिर आपको उसने दोबारा से आपने क्या किया कट किया एंड देन इट ऑल्सो कट इन टू फोर स्क्वायर पीसीस ले दिस पीसिज ऑन द फ्लोर फ्लोर पे रखिए सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ द पेपर जब आप उसको एक साथ रखेंगे फ्लोर पर टेबल पर लगा कर रखेंगे तो उसको जॉइन करेंगे आप जॉइन भी नहीं करेंगे तो वो ओरिजिनल शेप में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा एक्वायर कर लेगा ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन आप जॉइन तो नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल पीस बनाने के लिए लेकिन क्या हो सकता है वो दोबारा से वापस उ, उस औरिजिनल पेपर की क्या करेगा शेप एक्वायर करेगा सो देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर उसमें क्या हुआ है ओनली शेप साइज चेंज एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस नॉट चेंज मतलब वो क्या हुआ है रिवर्सिबल हुआ है वापस से उसी ओरिजिनल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया है यानी कि रहा तो पेपर ही ना न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया वो अपना ओरिजिनल पेपर ही रहा है सो दिस इज ए फिजिकल चेंज सेकेंड इज कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर कलेक्ट करिए जितना भी आप जो चॉक से यूज करते हैं ना जब हम स्कूल में यूज करते थे तो आप क्या करते थे चॉक डस्ट को क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे नियर द ब्लैक बोर्ड क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इन डस्ट इनटू डस्ट क्रश करिए चॉक को डस्ट में कन्वर्ट करिए और फिर देन ऐड लिटिल वाटर ऐड लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट ऑफ़ द चॉक पेस्ट बना दीजिए एंड रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ ए चॉक और उसको इस तरीके से रोल करिए जैसे क्या होती है नॉर्मल चॉक होती है लेट इट्स ड्राई और उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट क्या आप चौक को रिकवर कर सकते हैं डस्ट से तो इस तरीके से हमने क्या बना दी वापस फिर से क्या बना दी चौक डस्ट से कन्वर्ट कर दिया हमने दोबारा से चौक बना दी है ना तो वी विल कन्वर्ट चौक इनटू टू चौक डस्ट एंड वी विल कन्वर्ट चौक डस्ट इनटू नॉर्मल चौक सो दिस इज़ आल्सो ए फिज़िकल चेंज ना थर्ड एक्टिविटी इज़ टेक सम आइस इन ए ग्लास कुछ आइस लीजिए ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में मेल्ट सम पोर्शन ऑफ आइस मेल्ट करिए उसको धूप में रख दीजिए यू हैव नाव ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर आपका थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा पानी में वाटर में तो वो क्या हो जाएगा मिक्सचर हो जाएगा आइस एंड वाटर का नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर उस टम्बलर को एक मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दीजिए आइस प्लस कॉमन सॉल्ट द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन ऑफ कोर्स हो जाएगा वाटर दोबारा से क्या हो जाएगा किस शेप uh, में कन्वर्ट हो जाएगा सोलिड आइस की फॉर्म में सो इट इज़ ए कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज ना नेक्स्ट एक्टिविटी इज बॉइल सम वाटर इन ए कंटेनर एक कंटेनर में पानी लीजिए उसको बॉईल करिए डू यू सी आप देखेंगे स्टी, आ, स्टीम एराइज होगी वहाँ से होल्ड एन इनवर्टेड पैन बाईट्स हैंडल ओवर द स्टैम एट सम डिस्टेंस आप क्या करिए उस पैन को इन उल्टा रख दीजिए ओवर द स्टैम स्टीम के ऊपर सॉरी स्टीम के ऊपर रख दीजिए एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर सम टाइम यू ऑब्ज़र्व द वाटर ड्रॉपलेट्स आर एपियर ऑन द सराउंडिंग ऑफ द पेन पेन के जो सरफेस हैं वहाँ पर आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी सो दिस इज़ ए फिजिकल चेंज यानी कि यू विल कन्वर्ट द वाटर इन टू वेपर्स आफ्टर बॉइलिंग एंड ऑन कूलिंग इट विल ऑल्सो कन्वर्ट वेपर इन टू लिक्विड तो वो क्या हो जाएगा आपका रिवर्सेबल चेंज हो जाएगा वेपर्स टू लिक्विड लिक्विड टू वेपर सो इट इज़ ए फिजिकल चेंज ना इन एक्टिविटी सिक्स पॉइंट फाइव होल्ड ए यूज हैग सो ब्लेड विथ पेयर ऑफ टोंग कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ ए गैस स्टोव वेट फॉर ए फ्यू मिनट एक ब्लेड लीजिए उसको आप क्या करिए फ्लेम में जो गैस स्टोव की फ्लेम होती है वहाँ पर उसका एंड रख लीजिए और वेट करिए कुछ मिनट के लिए जो उसका कलर होगा टिप का ब्लेड का वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा नाउ रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम उसको दोबारा से रिमूव करिए ऑब्जर्व द टिप फिर दोबारा से ऑब्जर्व करिए तो आपको वंस अगेन आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से करिए डज़ इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर क्या वो दोबारा से ओरिजिनल कलर में वापस आ जाएगा इन एक्टिविटी सिक्स पॉइंट वन एंड सिक्स पॉइंट टू यूज़ ऑर दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडर वार्ट चेंज इन साइज एंड इन एक्टिविटी आपने सिक्स पॉइंट टू और सिक्स पॉइंट वन में मैंने बताया ना कि इसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है किस में साइज में सिक्स पॉइंट थ्री और सिक्स पॉइंट फोर में आपने क्या देखा चेंज इन द स्टेट state may change or a solid to liquid liquid to gas in activity 6.5 it shows the change in color on heating So all these changes it means change in shape size state and color represent the physical change so this is these are all the physical properties of a substance and this change is reversible uh, and in this physical change no new substance are formed. So this all the all activity represent the physical change in next video i will tell you about chemical change